So, dear students, our next question, question third is, a van can carry 15 passengers in a single trip if it makes 21 trips every day. क्या है एक वैन है जो 15 पैसेंजर्स को लेके जाती है ना सिंगल ट्रिप, मींस एक ट्रिप में कितने पैसेंजर लेके जाती है 15, और इफ इट मेक्स 21 ट्रिप्स एवरी डे मींस हर रोज वो कितने करती है 21 ट्रिप्स कंप्लीट करती है, तो हाउ मेनी पैसेंजर्स कैन इट कैरी इन 25 डेज. तो 25 डेज में टोटल वो कितने टोटल ट्रिप्स में कितने पैसेंजर्स को लेके जाएगी, आपको ये फाइंड आउट करना है. तो फर्स्टली एक डे में वो 21 ट्रिप्स बनाती है, तो हम सिंगल डे के टोटल पैसेंजर्स फाइंड आउट करेंगे. राइट हियर, वैन कैरी पैसेंजर्स इन ए डे. एक डे में कितने पैसेंजर्स लेके जाती है 15 पैसेंजर्स. तो वैन कैन कैरी पैसेंजर्स इन 21 ट्रिप्स. क्लियर, इन 21 यू राइट हेयर, इन प्लेस ऑफ डे यू राइट हेयर ट्रिप. एक ट्रिप में 15 पैसेंजर्स, 21 ट्रिप में हाउ मेनी 15 मल्टीप्लाई बाय 21. मल्टीप्लाई इट, यू कैन मल्टीप्लाई इट डायरेक्टली, अदरवाइज यू अरेंज इन कॉलम्स एंड देन मल्टीप्लाई. 15 जा 5, 11 जा 1, 25 जा 10, 1 कैरी, 21 जा 2 प्लस 1 3, कितना आएगा हमारा 315 पैसेंजर्स. सो टोटल कितने पैसेंजर्स लेके जाती है वो वन डे में, वन डे में जो वो 21 ट्रिप्स करती है, तो 21 ट्रिप्स में टोटल 315 पैसेंजर्स को लेके जाती है. सो वी राइट हियर, वैन carry passengers in a day. अब एक डे में टोटल वो 315 पैसेंजर्स लेके जाती है. हमें फाइंड आउट कितना करना है फॉर द 25 डेज. देन वैन कैरी पैसेंजर्स इन 25 डेज. तो 25 डेज में वो कितने लेके जाएगी, 315 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई 315 मल्टीप्लाई बाय 25. कॉलम्स में अरेंज करेंगे देन वी मल्टीप्लाई. 5 जा 25, 2 कैरी, 5 जा 5 प्लस 2 7, 5 3 जा 15 मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 2 3 जा 6 एड इट 5 देन 7, 5 प्लस 3 8, 6 प्लस 1 7. तो टोटल कितने पैसेंजर्स लेके जाती है ट्रेन, 7875. राइट हियर, 7875 पैसेंजर्स इट इज द आंसर. सो फर्स्टली हम 21 ट्रिप्स का वन डे का टोटल पैसेंजर फाइंड आउट करेंगे. सो जो हमारे वन डे के पैसेंजर्स आएंगे उसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमारे 25 डेज के टोटल पैसेंजर्स आएंगे 7875. ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ इज, द कैपेसिटी ऑफ अ गीजर इज 25 लीटर 550 मिलीलीटर. फाइंड द कैपेसिटी ऑफ 42 सच गीजर्स. आपने घर में देखा है ना बाथरूम्स में गीजर लगा होता था गर्म वाटर करने के लिए. सो उसमें आपको एक गीजर की कैपेसिटी बता रखी है कि वन गीजर जो है उसकी कैपेसिटी कितनी है 25 लीटर 550 मिलीलीटर. तो आपको ऐसे ही सेम कैपेसिटी वाले 42 गीजर्स की कैपेसिटी फाइंड आउट करनी की टोटल कैपेसिटी क्या होगी. सो इन सॉल्यूशन वी राइट, फर्स्टली वी राइट द कैपेसिटी ऑफ ए सिंगल गीजर. राइट हियर, कैपेसिटी ऑफ ए गीजर कितनी है 25 लीटर 550 मिलीलीटर. निकालनी कितनी हमें 42 गीजर्स की. तो कैपेसिटी ऑफ 42 गीजर्स
is equal to 25 liter 550 milliliter multiply by 42. अब हम इसको क्या करेंगे, अरेंज इन कॉलम्स देन मल्टीप्लाई. सो वी राइट हियर 25 550 मिलीलीटर मल्टीप्लाई बाय 42. क्लियर. राइट हियर 20 जा 0, 25 जा 10, 1 कैरी, 25 जा 10 प्लस 1 11, 1 कैरी, 25 जा 10 प्लस 1 11, 1 कैरी, 2 2 जा 4 प्लस 1 5. वेरी गुड. मल्टीप्लाई विथ 4, 4 0 जा 0, 4 5 जा 20. देन नेक्स्ट कैर इज 2, 4 5 जा 20 प्लस 2 22, 4 5 जा 20 प्लस 2 22, 2 कैर, 4 2 जा 8 प्लस 2 10. आफ्टर दैट एड इट 0 0 1, 2 plus 1 3, 5 plus 2 7, 0 1. देन आपकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, 10,73,100. नो, हाउ वी राइट, वी राइट इट इनटू द लीटर्स एंड मिलीलीटर. हमें किसमें गिवन है, लीटर और मिलीलीटर में गिवन है ना. So we write here the capacity into liters and milliliters same. So in milliliter 3 digits are there. So 3 digits से पहले हम यहाँ क्या लगाएंगे, लीटर. How we write 1073 liter and 100 milliliter. So what is our answer? 1073 liter, 100 milliliter, it is our answer. So 42 gizers की हमारी capacity कितनी आएगी, this. Next question, 5th is a complete book set of class 4 costs ₹4,325. There are 1075 students in all the sections of a class 4. What amount will be collected by the shop book seller if all the students buy book from him. इसमें क्या गिवन है, क्लास फोर्थ है, क्लास फोर्थ का जो बुक का सेट होता है, वो बुक का सेट जब परचेज करते हैं तो एक सिंगल सेट का प्राइस हमें गिवन है 4,325. तो क्लास फोर्थ में टोटल 175 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वो बुक सेट एक सिंगल शॉप से परचेज किया. तो कितने सेट जो बुक सेलर है उसने कितने सेट्स अब सोल्ड किए, 175. मींस जितने स्टूडेंट है सभी ने उसी बुक सेलर से परचेज किया, तो टोटल 175 बुक सेलर ने इतने सोल्ड कर दिए. तो एक सेट का हमें प्राइस पता है, तो हमें कितने सेट्स का प्राइस अब निकालना है, 175 का. 175 सेट्स का जब प्राइस निकालेंगे तो वही टोटल अमाउंट जो है उसने बुक सेलर ने कलेक्ट किया. So, in solution we write here, solution, cost of one book set, कितना है हमारा, ₹4,325. हमें find out क्या करना है, cost of 175 book sets, कितने, ₹4,325 मल्टीप्लाई बाय 175. वी अरेंज इट इनटू द कॉलम्स एंड देन मल्टीप्लाई. 4,325 मल्टीप्लाई बाय 175, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 1 कैरी, 5 3 जा 15, 15 plus 1 16, 1 कैरी, 5 4 जे 20 प्लस 1 21, मल्टीप्लाई बाय 7 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 2 जा 14, 14 plus 3 17, 1 कैरी, 7 3 जे 21 प्लस 1 22, 2 कैरी, 7 4 जे 28
28 प्लस 2 30। नेक्स्ट किससे मल्टीप्लाई करेंगे? विद द नंबर 1। 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4। एड दीज ऑल नाउ। 5 सी 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 6 18, 1 10, 2 प्लस 2 4, प्लस 1 5, प्लस 1 6, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 3 7। सो हाउ मच अमाउंट इज 7,56,875 रुपीज। तो जो बुक सेलर था उसने टोटल कितना अमाउंट कलेक्ट किया? 7,56,875। राइट हियर अमाउंट कलेक्टेड बाय द बुक सेलर, अमाउंट कलेक्टेड बाय बुक सेलर। हाउ मच अमाउंट इज कलेक्टेड बाय द बुक सेलर? 7,56,875। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू द फर्स्ट 5 वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ द एक्सरसाइज 5.2। इट्स योर होमवर्क टू डू एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 1st to 5th इन योर फेयर नोटबुक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।